हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो हम लोग बच्चा 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे हैं हम? लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द पाइपलाइन, कि पाइपलाइन से ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाटरवेज, कि वाटरवेज से ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फेरी कंट्रीज। क्या कहा है? इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फेरिंग कंट्रीज। सी फेरिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? सी फेरिंग का मतलब जो वो होता है ना, इसका मतलब होता है मल्हा। मल्हा जो नाव चलाते हैं, नाविक होते हैं वो। तो ये प्राचीन काल से ही जो सी रूट्स हैं या फिर जो समुद्री रास्तों से आना जाना, जो हमारे ग्रंथ है वहाँ पर भी हमें सी या फिर वाटरवेज या फिर वाटर रूट्स सुनने को हमें मिल जाते हैं। जैसे क्या था, यस, केवट ने श्री रामचंद्र जी को पार कराया था, रिवर्स पार कराई थी। तो हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की सबसे बड़ी कॉस्ट लाइन थी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इंडिया के पास सबसे बड़ी कॉस्ट लाइन है। और इसके साथ साथ, कॉस्ट लाइन के साथ साथ इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारी अंदर रिवर्स हैं, कुछ नॉर्थ, कुछ नॉर्थ ईस्ट और कुछ साउथ ईस्ट वेस्ट में बहुत सारी रिवर्स हैं जो डोमेस्टिक और नेशनल वाटरवेज बनाती हैं। तो इस तरह से, और जो रिवर्स हैं वो सी रूट से कनेक्ट करती हैं और सी रूट कनेक्ट करता है इंडिया को। तो इसीलिए इसको कहा है सी फेरिंग कंट्री, कि बहुत सारे वाटरवेज पर डिपेंड है, यहाँ पर जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है वो वाटरवेज पर डिपेंड है। तो इसलिए उसको सी फेरिंग वर्ड दिया गया है, तो सी फेरिंग कंट्री कहा गया है। एंड द सीमैन सेल फार एंड नियर। सीमैन जो सेलर्स हैं, वो क्या करते हैं? सी सेल्स फार एंड नियर, दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। कि वो जो नाविक हैं, जो सेलर्स हैं, जब वो सेल्स करके अपनी बोट्स को, अपनी नाव को ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, फिर जैसे ये यहाँ से दूसरी जो कंट्री के सेलर्स हैं वो यहाँ पर अपनी बोट्स को लेकर आए, फिर यहाँ से इंडिया के जो सेलर्स हैं वो अपनी बोट्स को लेकर गए। तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो दूसरी कंट्री के सेलर्स हैं वो अपने कल्चर को लेकर आ रहे हैं इंडिया में, और इंडिया के जो सेलर्स हैं या इंडिया के जो लोग हैं, नाविक हैं, सेलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो इंडिया के कल्चर को भी दूसरी कंट्रीज तक लेकर जा रहे हैं। तो इससे बिजनेस तो इंक्रीज हो ही हो रहा है, उसके साथ साथ जो इंडियन कल्चर है वो भी स्प्रेड हो रहा है, वो भी स्प्रेड किया जा रहा है। एंड वाटरवेज इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या कहा है बच्चे? कि जो वाटरवेज है वो आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट इन द कंपेरिजन ऑफ द एयरवेज। अगर एयरवेज से कंपेरिजन करें तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवेज, बट इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें, अगर हम टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो वाटरवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इससे जितना हैवी और बल्कि सामान को क्या किया जा सकता है? ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा जो सी है वहाँ पर बड़े बड़े शिप उतार दिए जाते हैं, और एक शिप में लगभग एक विलेज या फिर एक मार्केट जितना, पूरा का पूरे गांव उसमें समा सकता है, पूरे के पूरे मार्केट का सामान एक ही बार में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इन द वॉल्यूम, अगर हम सामान की वॉल्यूम को देखें तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवे, है ना, कि अगर हम सामान में देखें। अच्छा, देख, अगर हम ट्रक रोडवेज की बात करें तो जो ट्रक्स हैं उसमें कितना सामान लोड किया जा सकता है? ट्रक कितना भी बड़ा ट्रक हो तो उसमें कितना सामान लोड किया जा सकता है, लेकिन अगर हम शिप की बात करें तो उसमें तो ट्रक भी लोड किया जा सकता है। तो पूरे के पूरे मार्केट, पूरा बड़ा सिटी का जो मार्केट है उसका पूरा का पूरा सामान एक ही बार में लोड हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज भी 95% जो ट्रेड है वो वाटरवेज से किया जाता है। चलिए और क्या है, इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या कहा है? फ्यूल एफिशिएंट, कि फ्यूल एफिशिएंट है,
उसमें फ्यूल कम लगता है कि बहुत सारे जो बोट्स हैं वो तो बिना फ्यूल के चलती हैं, तो वहाँ तो किसी तरह का कोई पॉल्यूटेंट हो ही नहीं रहा है, तो और जो बाकी के जो शिप्स वगैरह हैं तो उसमें भी फ्यूल की खपत कम होती है, इसलिए उसको कहा है फ्यूल एफिशिएंट, और फ्यूल उसमें कम खपत हो रहा है, फ्यूल कम लग रहा है, तो जो पॉल्यूटेंट एलिमेंट्स हैं वो भी कम रिलीज होंगे, पॉल्यूटेंट एलिमेंट कम रिलीज होंगे तो उससे पॉल्यूशन कम होगा, इसीलिए इसको कहा है एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट या मीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि उससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। सो इट द एलिमेंट ऑफ वियर एंड टीयर इज लेस, और उसमें टूट फूट की कम गुंजाइश होती है, कि अगर आपने ट्रक में सामान को लोड किया है कि कहीं पर जैम मिल गया तो बहुत सारी ऐसी जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो ख़राब ही हो जाते हैं, या फिर एक्सीडेंट हो गए तो टूट फूट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी होती है, क्या वियर एंड टीयर की जो सामान है उसकी टूट फूट की लेस पॉसिबिलिटी होती है। एंड इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,000 किलोमीटर। इन लैंड नेविगेशन का मतलब है कि जो इंडिया है तो इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इनलैंड नेविगेशन की बात करें तो बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया के अंदर, तो टोटल जो उसका लेंथ है वो है 14,500 किलोमीटर, उसकी टोटल लेंथ है, कि सारी रिवर्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसकी टोटल लेंथ ये है। एंड आउट ऑफ दीज ओनली, और उसमें से कितना 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितना 5,685 किलोमीटर क्या है नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स, जो मशीन मोटर्स से चलने वाले वेसल्स हैं उनसे ऑपरेट किए जाते हैं, और बाकी विदाउट मैकेनाइज्ड वेसल्स हैं। बहुत सारे जो इनलैंड वाटरवेज है या डोमेस्टिक वाटरवेज है उसको नेशनल वाटरवेज कहा जाता है, नेशनल वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज या फिर डोमेस्टिक वाटरवेज। जो इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ये इंडिया के अंदर वाले जो अंदर का जो पोर्शन है ये पूरा, यहाँ पर जो नेविगेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो इंडिया में टोटल नेशनल वाटरवेज कितने हैं 111, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ कितनी नेशनल वाटरवेज, नंबर 5 की बात करेंगे। 5 की बात क्यों करेंगे, 106 नेशनल वाटरवेज को नेशनलाइज किया है 2016 में, कब किया है 2016 में उनको नेशनलाइज किया है, और बाकी के जो छोटे मोटे जितने भी वाटरवेज थे उन सबको 2016 में नेशनलाइज कर दिया और उनको नेशनल वाटरवेज बना दिया। बाकी के जो बड़े वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवेज हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट जो पहला वाटरवेज है, पहला हमारे अगर हम किसी रिवर का की बात करें, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आएगा वो आएगा गंगा रिवर। तो यस, जो फर्स्ट हमारा नेशनल वाटरवेज है वो नंबर फर्स्ट पर है गंगा रिवर। जो गंगा रिवर में नेविगेशन होता है, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन होता है, वही है ये 1, 2, 3, 4, 5 जो हम पढ़ रहे हैं, ये वो हैं जहाँ पर मैकेनाइज वेसल्स से ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनको पढ़ रहे हैं हम। तो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 द गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद टू हल्दिया, जो अलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है, कहाँ से इलाहाबाद टू हल्दिया, और हल्दिया कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है उत्तर प्रदेश में और हल्दिया वेस्ट बंगाल में। अच्छा, ये मैप में भी देखो, मैप में भी मैंने आपको इंडिकेट करके दिखाया है, यहाँ पर ये अलाहाबाद टू हल्दिया, और ये है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। यहाँ पर मैकेनाइज वेसल्स होता, क्योंकि इसका जो बेड है ना, जो बड़ी रिवर्स हैं तो इनका बेड भी काफ़ी ब्रॉड है, इनकी जो डेप्थ है, इनकी गहराई है और चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें मैकेनाइज वेसल्स को उतारा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें शिप उतार देंगे आप, शिप की बात नहीं कर रहे हैं हम,
हम जो मैकेनाइज्ड मोटर बोट्स हैं, दूसरे वेजल्स हैं, उनकी बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट नेशनल वाटरवेज द गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद टू हल्दिया। और हल्दिया कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। टोटल अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर। किसकी? नेशनल वाटरवेज नंबर वन। अब सेकंड की बात करते हैं, नेशनल वाटरवेज नंबर टू। इट इज, और जो सेकंड हमारा नेशनल वाटरवेज है वो है कौन सी रिवर पर है? यस, इट इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है बिटवीन सादिया टू डुबरी। कहां से कहां तक है? सादिया टू डुबरी, सादिया से लेकर और सादिया से डुबरी तक। सादिया जो है आसाम में और डुबरी बांग्लादेश के बॉर्डर तक, आसाम से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर तक। ये देखिए मैप में भी मैंने इसको इंडिकेट करके आपको दिखाया है, ये वाला। यस, इट इज द नेशनल वाटरवेज नंबर टू। और जिसकी टोटल लेंथ है वो है 891 किलोमीटर। कितना? 891 किलोमीटर। ओके, एंड थर्ड की बात करें, थर्ड नेशनल वाटरवेज नंबर थर्ड ये कहाँ पर है? इट वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। ये साउथ में केरला में है, वेस्ट कोस्ट पर है। कहाँ पर? कोटापुरम ओमान और उद्योग मंडल एंड चंपकारा कैनाल। कहाँ पर? कोटापुरम ओमान उद्योग मंडल एंड चंपकारा कैनाल। और इसकी टोटल लेंथ है 205 किलोमीटर। कितना? 205 किलोमीटर। और ये जो नेशनल वाटरवेज नंबर थ्री है ये भी देखिए मैप पर, ये भी मैंने इंडिकेट किया है यहाँ पर साउथ में, यहाँ केरला में। ये अब बात करें नेशनल वाटरवेज नंबर फोर। नेशनल वाटरवेज नंबर फोर जो स्टैचूज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ये भी साउथ में है, ये साउथ ईस्ट में है। यहाँ पर गोदावरी एंड कृष्णा, ये जो इससे ये होगा यहाँ से गोदावरी और कृष्णा, तो कुछ यहाँ तक स्ट्रेचेस है, कुछ यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद काकीनाडा टू पुंडुचेरी, यहाँ से ऐसे काकीनाडा टू पुंडुचेरी। और जो टोटल लेंथ है इसकी 1078 किलोमीटर। कितना? 1078 किलोमीटर। इसको भी जरा मैप पर देख लीजिए, ये भी इंडिकेट किया है मैंने यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। ओके, नाउ द फाइव नेशनल वाटरवेज नंबर फाइव। इट इज स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मावरी महानदी। बिल्कुल इसके ऊपर जो नेशनल वाटरवेज नंबर टू है, इसके ऊपर जो महानदी यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर अपना डेल्टा जो वो सी में गिरती है, यहाँ पर जो बंगाल में गिरती है, तो क्या करती है? अपना डेल्टा यहाँ पर बनाती है। तो यहाँ पर स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मावरी और महानदी डेल्टा। एंड जो टोटल लेंथ है इसकी वो है 588 किलोमीटर। तो टोटल होने कितने? फाइव नेशनल वाटरवेज, डोमेस्टिक वाटरवेज या फिर इनलैंड वाटरवेज जो कंट्री के अंदर किए जाते हैं, जो अंदर कंट्री के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वो हमने पढ़ लिए। तो फाइव हमने पढ़े, फर्स्ट वाटरवेज था गंगा रिवर का और जिसकी टोटल लेंथ थी 1620 किलोमीटर। वहीं पर जो दूसरा वाटरवेज था वो था ब्रह्मपुत्र रिवर का और जिसकी टोटल लेंथ थी 891 किलोमीटर। तो थर्ड वाटरवेज था वो केरला में और जिसकी टोटल लेंथ थी 205 किलोमीटर। नंबर फोर्थ वाटरवेज इट इज कहाँ पर था? गोदावरी और कृष्णा के स्ट्रेचेस पर और जिसकी टोटल लेंथ 1078 किलोमीटर। एंड लास्ट वन नेशनल वाटरवेज नंबर फाइव, इट इज स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मावरी एंड महानदी डेल्टा, इसकी टोटल लेंथ 588 किलोमीटर। तो आई होप जो वाटरवेज का एलएम सिस्टम है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट मी। ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो ये तो हमने इनलैंड वाटरवेज पढ़ लिया। अब हम जो बाहर है ये वाला, ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, ये के पास सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तो इस कोस्ट लाइन पर जो
ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होता है, कौन कौन से मेजर पोर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक विच रिलेटेड टू द वाटरवेज टोटल लेंथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।